तो दोस्तों फाइनली जिस चीज का हम लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो चीज आ गई है। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर से पहले हमें पुष्पा 2 का ट्रेलर देखने को मिलेगा। साथ ही इसके साथ में बहुत सारी ऐसी अपडेट्स लेकर आई हूँ पुष्पा 2 को लेकर, जिसे जानने के बाद लिटरली आप फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। दरअसल क्या है कि 5 दिसंबर को पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका प्रमोशन बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। वहीं इसी बीच फिल्म को लेकर बहुत सारी बातें भी चल रही हैं और इसकी कहानी में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई जा रही हैं। दरअसल क्या है, पुष्पा 2 का विलेन बहुत तगड़ा होने वाला है। जिसे हम लोग देख रहे हैं वो मेन विलेन नहीं है, वो तो इस फिल्म का विलेन है, लेकिन इसके अलावा हमें एक और विलेन देखने को मिलेगा इस मूवी में, जो कि अल्लू अर्जुन को बराबर का टक्कर देने वाला है। फिलहाल तो इसके ट्रेलर में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। हालांकि ट्रेलर तो अभी आया नहीं है, लेकिन लिटरली बहुत जल्द ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 नवंबर से पहले पहले हमें ट्रेलर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में पुष्पा 2 को लेकर एक अलग ही लेवल की हाइप बन गई है। दरअसल क्या है कि पुष्पा 2 के लिए हाइप बनाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ एक नाम ही काफी है, पुष्पा 2। ऑलरेडी हाइप अपने आप बन ही जाती है, लेकिन पुष्पा 2 से रिलेटेड मेरे पास ऐसी ऐसी अपडेट है जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। खासकर ये जो साड़ी वाला लुक आपने देखा था अल्लू अर्जुन का, हर किसी को लग रहा था कि ये क्लाइमेक्स का सीन है, नहीं, ये इंटरवल का सीन होने वाला है, जो कि इसमें कुछ बदले की भावना भी हमें देखने को मिलेगी। पहली अपडेट ऐसे है जिसे सुनकर लिटरली आप शॉक्ड होने वाले हैं। आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा कि पुष्पा 2 में हमें ऐसे सीन भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल क्या है कि पुष्पा 2 में किसी लीड एक्टर का खून कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। अब वो लीड एक्टर रश्मिका मंदाना हो सकती है, ऐसा अंदाजे से कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अपडेट भी निकल कर आ रही है कि पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना को मार दिया जाएगा और वो वही मेन विलेन होने वाला है, जिसका अभी कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, जिसकी कोई फोटोज अभी वायरल नहीं हुई, जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, वही जो है रश्मिका मंदाना को मारता है। और जो है इसीलिए अल्लू अर्जुन उसका बदला लेते हैं, जो कि हम लोगों ने साड़ी वाला सीन देखा था ट्रेलर जब इसका आया था, टीजर आया था, तो साड़ी वाला सीन देखा था तो हर किसी को यही लग रहा था कि एक क्लाइमेक्स का सीन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंटरवल का सीन होने वाला है। और यहीं से जो है कहानी की मतलब शुरुआत दिखाई जाती है कि रश्मिका मंदाना को मार दिया जाता है और अल्लू अर्जुन उसका बदला लेते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजे से कहा जा रहा है, इसको आप रियल मत मानिएगा, हो सकता है कि स्टोरी हमें कुछ और भी दिखाई दे पुष्पा 2 में। लेकिन यही बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 में किसी लीड एक्टर का जो है खून कर दिया जाता है और वो खून वही मेन विलेन करता है। और कहानी इस बार बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर अल्लू अर्जुन बदला लेते हुए नजर आएंगे और फिर पुष्पा 2 के लास्ट में हमें पुष्पा 3 की भी अनाउंसमेंट करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पुष्पा 3 मूवी भी आएगी और ये मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाएगा। KGF मूवी तो आप सब लोगों को याद ही होगी, KGF 2 में मूवी के लास्ट में ये दिखाया गया था कि KGF चैप्टर 3 भी आएगी, तो बस ऐसे ही पुष्पा 2 मूवी के साथ होने वाला है। पुष्पा 2 के लास्ट में आखिरी में ये बताया जाएगा कि पुष्पा 3 मूवी भी आएगी। हालांकि ये बहुत दिलचस्प बात है और शायद सुनकर आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे कि पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 मूवी भी हमें देखने को मिलेगी। लिटरली इसके ट्रेलर में सब कुछ छुपा है, लेकिन ट्रेलर अभी आया नहीं है, जिसके लिए हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है। इसका ट्रेलर 15 नवंबर से पहले पहले आएगा, हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। और प्रमोशन के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रमोशन बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है, यहाँ तक कि एडवांस बुकिंग USA वगैरह या फिर इंडिया के अंदर ही ले लीजिए, इसकी एडवांस बुकिंग बहुत जोरों शोरों से करी जा रही है। हालांकि हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये फिल्म ऑडियंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि पुष्पा मूवी जब आई थी तो ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी और इसके सेकंड पार्ट का भी लिटरली ऑडियंस दिल खोल कर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब देखते हैं कि इसका ट्रेलर कब आता है और ट्रेलर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। तो दोस्तों पुष्पा 2 के ट्रेलर को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और पुष्पा 2 मूवी के बारे में आपका क्या कहना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।